सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार देखने के लिए जरूर मिलता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। मतलब ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल प्रश्न आसान है लेकिन समझेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए जरूर मिलता है। तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, भाई आपको वीडियो कैसी लगती है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है लेकिन इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना, ताकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे हम आसानी से कर सके, या इसे संबंधित ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी उसे हम आसानी से कर सके। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। भाई हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है भाई जिनका योग तो कितना हो 27 हो, और उसका उनका गुणनफल अगर उनके हम गुणा करते हैं तो कितना 182 आए। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, हम इसमें हल, यहां लिखते हैं इसमें हल। तो इसमें दो संख्याएं दी गई हैं भाई जिनका योग 27 दिया गया, तो इसमें ले लेते हैं हम माना पहली संख्या इसमें एक्स रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, अल्फाबेट तो इसमें कोई भी रख सकते हैं। दूसरी संख्या तो समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना, क्या है 27 माइनस एक्स। भाई एक दूसरे से मतलब योग दिया गया है तो इसको हम ऐसे रखेंगे, हम इसमें पहले हम इसमें एक्स ले लेते हैं, दूसरी इसमें 27 माइनस इसमें एक्स रख लेते हैं। अब रखेंगे हम इसमें क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार गुणनफल दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया 182। तो यहां रखेंगे हम इसमें प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार रखेंगे हम इसे। क्या कहता है, गुणनफल दिया गया है तो इसमें हम गुणनफल में रख लेते हैं हम इसकी एक्स गुणा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 182 दिया गया। अब एक्स के साथ इसकी हम गुणा करेंगे, 27 एक्स माइनस एक्स की 2 और इज इक्वल टू कितना है 182। अब एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा सॉरी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस एक्स की 2 प्लस 27 एक्स और इज इक्वल टू के निशान को हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 182 इज इक्वल टू, इसमें हम क्या रख लेते हैं 0। अब एक्स जो माइनस का निशान है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स की 2 माइनस 27 एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यहां सॉल्व करेंगे, अब एक्स की 2 माइनस 27 एक्स और प्लस कितना है 182 इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने इसके अंदर। अब देखो हमें बिल्कुल आसान तरीका है भाई, हमें अब देखो इनके साथ इसकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसमें हमें इस नंबर के साथ इसकी हम गुना करते हैं, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसके अगर हम गुना करते हैं तो 182 आए, और उसका हमें अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास 27 माइनस का 27 एक्स आना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम किस किस का जोड़ करते हैं, 27 आए, 15 प्लस 12 14 प्लस 13 और 16 प्लस 11 और कितना है 10 प्लस 17। तो लेकिन अगर हम उसकी गुना करा तो लास्ट में हमारे पास इसमें डिजिट कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 किस में आता है 5 दूनी 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, चलो अगला नंबर देखते हैं, 6 एकम 6 ये भी कैंसिल है, 7 एकम 7 7 0 0 तो ये भी कैंसिल। तो नंबर हमारे पास सिर्फ इसमें कितने बचे हैं 14 और 13 संख्या बची है। भाई अगर हम 14 और 13 का जोड़ करते हैं आपस में माइनस के दोनों नंबर लेते हैं तो इसमें हमारे पास 27 आता है, और 14 और 13 की अगर हम इसमें गुना करते हैं तो हमारे पास इसमें कितना 182 आता है। तो हम यहां सॉल्व करेंगे इसमें x की 2 माइनस 14x
माइनस 13x प्लस 182 जीरो। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे हम, इसमें x कॉमन निकाल लेते हैं, एक x हम अंदर रखेंगे भाई। 14x को हम बाहर वाले कॉमन से डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना बचेगा हमारे पास, 14 बचेगा। अब अगले नंबर को हम अंदर वाले से भाग करेंगे हम, तो 13x को हम x से भाग करेंगे हम इसमें, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 13। इसी सेम नंबर डिजिट को हम यहाँ रख देंगे, माइनस 14। अब x माइनस 14 और इस नंबर को साथ हम इसकी करेंगे हम, तो x माइनस इसमें 13 इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं इसमें, 0 रख देते हैं। अब देखो हमारे पास इसमें अगर हम इज इक्वल टू इसमें 0 रख देंगे तो इसमें देखो यहाँ हमारे पास इसमें प्लस का नंबर हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये हमारे पास इसमें प्लस का 13 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें दोनों नंबर आ सकते हैं। देखो ऋणात्मक नंबर हम कोई भी नहीं ले सकते, अगर हम ऋणात्मक नंबर हमारे पास आता है उसमें हम कोई भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है एक्स की, 14 और 13 की है। तो हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने इसमें एक्स लिया था, हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे हम इसकी। तो एक्स का क्या था, अगर हम 14 रखते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें रखते हैं हम पहली संख्या और इसमें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास इसमें कितना, अगर हम 14 रखते हैं तो पहली संख्या हमारे पास इसमें 14 आती है, तो 27 में से हम 14 घटा देंगे, दूसरी कितनी आएगी हमारे पास इसमें 13, तो ये आंसर आ सकते हैं। अगर हम 13 रख के निकाल सकते हैं तो पहली संख्या हमारे पास इसमें कितनी आएगी, पहली संख्या हमारे पास इसमें आएगी 13, और दूसरी संख्या हमारे पास इसमें कितनी बनेगी, तो दूसरी संख्या 27 में से हम 13 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 14। तो हम दोनों संख्याओं को रख के भी इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे दोनों राइट इसके आंसर होंगे, 14 और 13, ये दो हमारे पास ऐसी संख्या है जिनका अगर हम योग करते हैं तो 27 आता है, जिनके हम गुणा करते हैं तो 182 आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जाना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना, और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले आप दोस्तों को इस वीडियो का नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं।